our GRS member Saurabh Srivastava. Now, when he speaks, it's like poetry. When he speaks in Shuddha Hindi, it's like music to your ears before he even starts singing. And he has offered to sing poetry as Women's Day special to us. So you can imagine how melodious that's going to sound. So with no further introduction, I'm just going to move the microphone over to Saurabh ji. Thank you. Thank you, Rats. Thank you very much, all of you. First of all, I also, like other members, Raji and Bhagyam ji, play my sincere thanks to JSS, this forum where we speak, where we sing, where we share a lot of beautiful moment with each other. मैं हिंदी में आ जाता हूँ. आज महिला दिवस के लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं और 8 तारीख को तो यूं महिला दिवस था, पर ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या की जड़ है कि हम एक दिन महिला दिवस मनाते हैं. मैं ऐसा मानता हूँ कि हम एक दिन अपने कमिटमेंट को फिर से कहने के लिए बनाते हैं, पर हर दिन एक महिला दिवस है, क्योंकि हर दिन महिलाओं की जो इम्पोर्टेंस है वो कोई कम नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता, बल्कि आप सभी जानते हैं कि वो सबसे खूबसूरत चीज़ है जो कि माँ, बहन, बेटी, पत्नी, साथी सभी रूप में हमारे आसपास हैं और उनका महत्व तो कहा नहीं जा सकता. मैं आज आपसे जो बात करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ भारतीय परिवेश में, इंडियन एनवायरनमेंट में कैसे एक नैरेटिव सेट किए गए था पुराने समय में, और वो पुराने समय का नैरेटिव कैसे धीरे धीरे आज के दिन बदल रहा है. और आपको भी बहुत खुशी होगी ये सुन के कि वो बदल रहा है, पर वो ऐसा जैसा आज दिखता है वैसा शुरू से था नहीं. आप जानते होंगे कि जो कविताएं हैं और जो फिल्में हैं वो समाज का दर्पण है. समाज में जो होता है वही कविताओं में, फिल्मों में एक तरह से रिफ्लेक्ट होता है, परिलक्षित होता है. तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमारे पुराने समय से एक नैरेटिव जो कि त्याग के रूप में और बलिदान की मूर्ति के रूप में और सब कुछ छोड़ देने के रूप में सेट किया गया था, और ये जगह जगह बड़े बड़े कवियों के, बड़े बड़े फिल्मकारों की रचनाओं में आपको मिलेगा. तो अगर आप पुराने समय में फिल्मों की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्मों की, तो आपने देखा चित्रलेखा, जहाँ पर मीना कुमारी ने एक रोल प्ले किया था, जहाँ बताया गया था कि वो समाज से त्यागी हुई स्त्रियों को किस तरीके से खराब माना जाता है. आपको याद होगा संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे. फिर परिणीता, सुजाता, पाकीज़ा, ये सब वो फिल्में थी जो महिला प्रधान थी, लेकिन उसमें महिलाओं के बारे में बड़ा गड़बड़ सड़बड़ दिखाया गया था. और आप और जगह क्यों जानना चाहते हैं, आप तो तुलसीदास जी को कविता में ले लीजिए, जो सबसे पुराने जिन्होंने हमारी रामायण लिखी है, लेकिन उन्होंने भी छोड़ा नहीं ऐसा कुछ भी जो जो कि महिलाओं की इज्जत में ज्यादा हो. मुझे मुझे बड़ा मतलब मैं बड़ा क्षमा चाहता हूँ अगर मैं किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता हूँ, लेकिन सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है क्या? क्या द्रौपदी को भी अपने 5 पतियों को एक साथ स्वीकार करना उसकी मजबूरी होती है क्या? ये नैरेटिव्स थे हमारे समाज के जो जो महिलाओं के लिए सेट किए गए. तुलसीदास जी ने कहा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इन सबको मारना चाहिए. ये नैरेटिव्स थे. नैरेटिव्स बदले धीरे धीरे, हम लोग नए जमाने में आए. बल्कि आप कहें कि आज़ादी के समय तक 1947 तक भी ये नैरेटिव्स वैसे ही सेट रहे. अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, ये किसने कहा था? ये राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था. ये फेट ऑफ फेट अकम्पली ऑफ लेडीज का ये सेट किया गया. तो धीरे धीरे ये बदला, लोगों ने इसको चैलेंज करना शुरू किया. तो सबसे पहले चैलेंज करने के लिए जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आपको असलियत दिखाई जाए, आपको बताया जाए कि ये सच नहीं है. तो ये सच नहीं है बताने का प्रोसेस धीरे धीरे शुरू हुआ. रंगीन फिल्में आ गई थी. मदर इंडिया इस मामले में एक पहली फिल्म थी जहां ये नैरेटिव चेंज करा गया और कहा गया कि महिला अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती. मदर इंडिया में मीना कुमारी ने, नरगिस जी ने एक ऐसी भूमिका अदा की जो कि बंदूक लेके खड़ी हो जाती है और अपने बेटों के साथ समाज के अगेंस्ट आवाज उठाती है. फिर भूमिका थी स्मिता पाटिल के उसमें, आजकल की फिल्मों में दामिनी थी, अर्थ थी, ये सब फिल्में हैं जिन्होंने ये नैरेटिव सेट किए कि नहीं नहीं लीक पे चलना कोई जरूरी नहीं. और साथ के साथ कविताओं में भी ये नैरेटिव सेट होने लगे. सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इतने बड़े कवि थे, उन्होंने ये कविता लिखी थी जिसका मैं एक अंश आपको सुनाता हूँ. वो एक काम करने वाली औरत जो कि सड़कों पे आपको काम करती दिखती होगी, उसके बारे में लिखा गया, वो तोड़ती पत्थर, मैंने देखा उसे इलाहाबाद के पथ पर, वो तोड़ती पत्थर, ना कोई छायादार पेड़ जिसके तले बैठी हुई वो श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन
प्रिय कर्म रत मन, मतलब स्त्री थी तो स्त्री जैसी थी पर वो पत्थर तोड़ रही थी हथौड़ों से। गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, एक क्षण के बाद वो कापी सुधर और ढलक कर माथे से गिरे उसके सीकर, सीकर मतलब बूंदे, पसीने की बूंदे, और लीन होते कर्म में फिर उसने यूं कहा, मैं तोड़ती पत्थर। तो ये वो समय था जब हम लोग चैलेंज करने लगे थे, हमने स्त्रियों की शक्ति को पहचानना शुरू किया, पर यह भी वो समय नहीं था जब उन्हें वो पूरी शक्ति दे दी गई। यहाँ तक कि महादेवी वर्मा जो कि इसकी रिप्रेजेंटेटिव थी महिलाओं की छायावाद के कविता में, उन्होंने महिला के बारे में कहा कि मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, परिचय इतना इतिहास यही, मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी कल थी मिट आज चली। तो उन्होंने भी एक त्याग की मूर्ति के रूप में इसको दिखाया, पर हाँ ये बताना शुरू कर दिया गया कि क्या चीजें चल रही थी समाज में, कैसे कैसे नारी आगे आ रही थी, कैसे कैसे सभी कवियों ने, सभी फिल्मकारों ने स्त्री शक्ति को पहचानते हुए उनको बो करना शुरू किया। पर अभी भी मैं आपको बताऊं, इस समय में भी ये माना जाता था कि उनको एक स्पेशल कंसीडरेशन की जरूरत है, उनको एक आरक्षण की जरूरत है, उनको एक सहानुभूति की जरूरत है। जयशंकर प्रसाद हिंदी के महान कवि, नारी तुम श्रद्धा हो केवल विश्वास, रजतल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में, आदर पूर्वक लेकिन फिर भी दया उसके अंदर बसी थी। धीरे धीरे ये नैरेटिव और बदलने लगे और अब मुझे बहुत खुशी है ये देख के कि फिल्मकारों ने भी और हमारे समाज में जो हो रहा है वही फिल्मकारों ने भी दिखाया और फिर बाद में कवियों ने भी वही दिखाया। मैं आपको बस ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, मैं ज्यादा बोलकर आपको बोर भी नहीं करना चाहता, पर मैं बताता हूँ कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने सबसे अंत में इसमें रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखा कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी। उन्होंने पूरा पूरा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा है, आपने इसके ऊपर फिल्म भी देखी होगी जो अभी हाल फिलहाल में कंगना रनौत की फिल्म आई थी, लेकिन उन्होंने पूरी कविता रानी के जी के बच्चा बंधा हुआ था, घोड़ा मर के गिर गया, फिर रानी भी लड़ती लड़ती दोनों तरफ से अंग्रेजों ने उस पर हमला कर दिया और मर के गिर गई, लेकिन सुभद्रा जी उसको कहती हैं ऐसे कि जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी, तेरा स्मारक तू ही होगी खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और ये मान लिया गया कि स्त्री को कोई कोई दया की जरूरत नहीं, कोई कोई रहम की जरूरत नहीं, वो आपके बराबर है और हम सबसे बल्कि कई मामलों में ऊपर है। कहानी फिल्म आपने देखी होगी, क्वीन फिल्म आपने देखी, मैरी कॉम फिल्म आपने देखी, और मैं अंत में जाते जाते आपको पिंक जो कि अभी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी जहां एक बड़े बड़े कॉमन से मुद्दे के ऊपर ये फिल्म बनाई गई थी कि नो मीन्स नो, नो मीन्स नो, देयर इज नो इथिक्स, देयर इज नो स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, एज यू कैन से नो ए लेडी कैन ऑल्सो से नो। उसी फिल्म के अंदर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो तनवीर गाजी ने एक बहुत खूबसूरत कविता लिखी थी जिसको उन्होंने गाया भी था, मैं गा तो नहीं सकता इतना अच्छा, वो अमिताभ बच्चन की आवाज में थी, मेरी आवाज तो जॉनी वॉकर की आवाज है, लेकिन फिर भी मैं आपको सुनाता हूँ वो कविता थी, मैं आपको समर्पित करता हूँ सभी महिलाएं जो मुझे दिख रही हैं स्क्रीन पे, ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और जो लोग नहीं समझ पाते हिंदी उनके लिए ये स्त्री को एड्रेस करके कहा गया है कि तुम किसकी इंतजार में हो, कोई कोई जरूरत नहीं किसी का इंतजार करने की, तुम्हें अपनी रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। इसके आगे है कि जो तुझ से लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू। आपने देखा होगा कितने सालों तक स्त्री के हाथ में बेड़ी डाल दी गई, बोले सोने की देंगे पर बेड़ी देंगे, आपके पैर में बेड़ी डाल दी गई, बोले पैर में देंगे सोने के देंगे, बेड़ी देंगे गले में देंगे कमर में देंगे लेकिन बेड़ियां देंगे। तो और धीरे धीरे स्त्रियों ने उसे अपने अपने ड्रेसअप का पार्ट मान लिया। तो जो खुद से लिपटी बेड़ियां समझ ना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इसको शस्त्र तू, शस्त्र यानी कि वेपन आप उसको बना लीजिए, बना ले इनको शस्त्र तू, तो कुछ खुद की खोज में निकल,
तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। और लास्ट इसका स्टैंजा ये है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी। आपको याद होगा मैंने शुरू यहाँ से किया था कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा दे के रामचंद्र जी के पास आना पड़ा था, और एक मामूली से धोबी के कहने से उनको प्रेग्नेंट स्थिति में अपने घर से, अब मैं आगे नहीं कहूंगा ये लोगों के धार्मिक भावनाएं। तो चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं के ले परीक्षा तेरी, कि ले परीक्षा तेरी। तू कुछ खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। मैं इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने अपने इनहिबिशंस और सबसे बाहर आके म्यूजिक को अपना जरिया बनाया, जो बहुत ही सशक्त माध्यम है, न सिर्फ म्यूजिक बल्कि अपनी जीवन में भी। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि सारे त्याग आपके नाम हैं, सारे बलिदान आपको करने हैं। कम से कम मैं ऐसा मानता हूँ, और मेरे साथ बहुत से ऐसे मेल्स हैं जो ऐसा मानते हैं कि ऐसा मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको भी वही अधिकार प्राप्त है जो हमको है। बल्कि कई मामलों में आपको मालूम ही होगा, ये मजाक में कहा जाता है, पर घर में तो सिर्फ आपकी बात ही सबसे फाइनल मानी जाती है, लेकिन धीरे धीरे समाज के और पहलुओं में भी आपको आगे बढ़ना है। और अब आप हमारे साथ हैं, कोई वुमेन डे की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आज से 10-20 साल बाद हमें इस वुमेन डे को अबॉलिश कर देना चाहिए। क्या हम कोई मैन डे मनाते हैं? नहीं मनाते। इसी तरह हमें कोई वुमेन डे भी नहीं मनाना पड़ेगा धीरे धीरे। और मेरी शुभकामनाएं सब आप सभी के साथ हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन। JSS अकेडमी हमेशा से हमारी अल्मा मैटर है और आगे भी रहेगी। रामनाथ जी को बहुत बहुत बधाई जो ये नया कंसेप्ट शुरू किया, बहुत बहुत धन्यवाद।